सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली ओरिजिन ओएस दोस्तों लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों ओरिजिन ओएस के बारे में दोस्तों सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये दोस्तों कैसा दिखता है, यहाँ पर दोस्तों आपको कब तक अपडेट मिल जाएगा, क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पर लेआउट कैसा है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से स्मार्टफोन ब्रांड में ओरिजिन ओएस रन होगा, सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो X60 का दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लुक भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, कल दोस्तों मैंने पोको M3 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देखिए और आई बटन की सारी वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही दोस्तों सेम आपको फीचर्स MIUI 12 में देखने को मिल जाएंगे, Realme UI 2.0 पे या फिर Realme UI या फिर दोस्तों कलर OS पे। तो फीचर्स दोस्तों यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस दोस्तों थोड़े से ट्विक्स कर दिया गया, यानी कि थोड़े नए नए जेस्चर्स को ऐड कर दिया गया है, थोड़े से दोस्तों यहाँ पर आइकॉन पैक्स को चेंज कर दिया गया। हाँ, लेआउट वाइज दोस्तों ये ओएस नया आपको दिखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नया ओएस है तो लेआउट तो चेंज करेंगे ही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्विक टॉगल्स जो हो गए उनका स्टाइल चेंज है, नोटिफिकेशन शेड चाहे स्टेटस बार को ले लीजिए, ये सब दोस्तों थोड़े चेंज कर दिए गए। और आइकॉन पैक और जो दोस्तों लॉन्चर का स्टाइल है वो सब दोस्तों काफी मिनिमलिस्टिक, काफी क्लीन लगता है, थोड़ा 3D लुक देने का कोशिश किया गया है, देखने में ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो दोस्तों ओरिजिन ओएस का स्टाइल है ना वो काफी क्लीन है, यहाँ पर दोस्तों सभी चीजें आपको काफी क्लीन नजर आएंगी। और दोस्तों यहाँ पर जो आइकॉन्स का स्टाइल है, यानी कि आइकॉन अपडेट होते रहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आइकॉन में भी आपको दिन रात कैलेंडर चेंज क्लॉक चेंज ये सब दोस्तों थोड़े अलग स्टाइल में दिखाई देगा, थोड़े से दोस्तों यहाँ पर बड़े लेवल पे इसको करने की कोशिश किया गया है, यानी कि यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका सब चीज चेंज होगा, तो देखने में काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों बस यही कहानी है ओरिजिन ओएस का, आपको दोस्तों मैं पूरा हैंड्स ऑन भी यहाँ दिखा चुका हूँ, देख लीजिए। और दोस्तों पहली बात यह कि दोस्तों ये वीवो X60 पर दोस्तों अभी सबसे पहले रन हो रहा है, जो स्मार्टफोन आप सामने देख रहे हैं वो वीवो X60 है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले इसके इमेजेस भी आपको दिखा चुका था। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अभी दोस्तों ये कौन कौन डिवाइसेस पे रन हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले अभी वीवो X60, X60S पे दोस्तों रन होगा, फिर iQOO 5, iQOO 5 Pro, iQOO Neo 3, iQOO 3। बस दोस्तों अभी ये बस इतने ही डिवाइसेस पे रन हो रहा है, यानी कि इतने डिवाइसेस पे अभी अपडेट्स मिलेंगे आपको। और दोस्तों ये सिर्फ वीवो और iQOO के स्मार्टफोन पे ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन ओएस, और दोस्तों ये फन टच ओएस को रिप्लेस करेगा। बस दोस्तों अभी तक तो इतना ही मालूम चला है, अभी दोस्तों अगर कुछ और डिवाइसेस का लिस्ट आया तो आपको बताऊंगा मैं। अगर दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओरिजिन ओएस काफी अच्छा है बाकी ओएस के कंपैरिजन में, तो नहीं यार, सभी ओएस एक जैसे ही है, बस दोस्तों यहाँ पर किसी में कुछ ज्यादा मिल जाता है तो किसी में कुछ और ज्यादा मिल जाता है, बाकी सब कुछ दोस्तों सेम ही रहता है, सब एक ही जैसे होते हैं, कुछ दोस्तों ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, कुछ दोस्तों यहाँ पर ज्यादा फास्ट होते हैं, कुछ ज्यादा दोस्तों यहाँ पर क्लीन होते हैं, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, लेकिन सब एक जैसे ही होते हैं, जो बेस कोड होता है ना सब कुछ एक जैसे ही होता है, क्योंकि सारे ब्रांड्स तो एक ही है, यहाँ पर एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं, बस दोस्तों यहाँ पर UI का नाम थोड़ा लेआउट चेंज करके कर दिया जाता है। अगर आप MIUI 13 को यूज करेंगे जो आने वाला है, वो भी दोस्तों आपको कुछ कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, उसके भी फीचर्स आने लगे। अगर वो छोड़िए, MIUI 12 को यूज कर लीजिए और सामने ये ओरिजिन ओएस को यूज कर लीजिए, बहुत सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी आपको। अब दोस्तों आप पूछोगे कि यार मेरे पास वीवो या फिर iQOO का स्मार्टफोन है तो सुफियान भाई कब तक अपडेट मिल सकता है? तो अभी तक दोस्तों कंपनी ने कुछ क्लियर नहीं किया कि दोस्तों ये आउट ऑफ चाइना दोस्तों कब इसका अपडेट पुश करेगा। अभी सिर्फ दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन जो दोस्तों चाइना में अभी एग्जिस्ट करते हैं उन्ही स्मार्टफोन में अभी देखने को मिलेगा, अभी दोस्तों यहाँ पर ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, केवल चाइना में अभी लॉन्च हुआ है। अगर दोस्तों कुछ और अगर मालूम चला, यानी कि ओरिजिन ओएस कौन कौन डिवाइसेस पे अपडेट देगा, यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ और अगर मालूम चला ना तो आपको मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा टेक न्यूज में। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नया आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दो। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ओरिजिन ओएस कैसा लगा, और दोस्तों मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.